आदमी महाराष्ट्र का राज्यपाल रहने के लायक नहीं है, हम इनको वापस बुला नहीं जाएंगे, इनको हटा लो। मराठी आदमी का गुस्सा लिखा, हमारे अस्मिता से मत खेलो होशियारी, तुम्हारी महंगी पड़ेगी होशियारी, ये खेल मत खेलो, बहुत महंगा पड़ेगा। महाराष्ट्र की जनता, खास करके मुंबई थाने की जनता, ये कष्ट करने वाली जनता है, खून पसीना बहाकर इस राज्य को और मुंबई को बनाने वाली जनता है। सब कुछ पैसे से नहीं तोला जाता, कुछ बातें होती है वो मेहनत की भी होती है। और ये मुंबई जो बनी है, तो हमारे 105 लोगों ने जो बलिदान दिया है महाराष्ट्र को, और हजारों लोग जो शहीद हो गए, जेल में गए, 5 साल तक आंदोलन चलता रहा, उस वक्त 1956 में, उसके बाद ये मुंबई बनी। राज्यपाल महोदय को इतिहास के बारे में शायद जानकारी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल की इस वक्तव्य का निंदा करनी चाहिए, कड़ी निंदा करनी चाहिए, और केंद्र को तुरंत ये मांग करनी चाहिए कि राज्यपाल को वापस बुलाए। बार बार इस प्रकार के वक्तव्य हमारे राज्यपाल करते हैं, कभी सावित्रीबाई फुले का अपमान होता है, शिवाजी महाराज का अपमान होता है, महाराष्ट्र का अपमान होता है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने जो महाराष्ट्र के और मुंबई के बारे में जो स्टेटमेंट किया है, उसका हम निषेध करते हैं। उनको पता नहीं होगा, उनको महाराष्ट्र के बारे में उनको पूरी जानकारी भी नहीं होगी। जो हमारे देश के उद्योगपति धीरूभाई अंबानी, उनको भी मुंबई ने और महाराष्ट्र ने बड़ा उद्योगपति बनाया। महाराष्ट्र ऐसा एक राज्य है कि इस राज्य में सभी राज्य के लोगों का सम्मान किया जाता है, और उनके आधार पर उनको मदद भी की जाती है, और इसलिए जो राज्य परोपकारी है उसको इस तरह की राज्य के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने गुजराती मारवाड़ी के वजह से महाराष्ट्र है, मुंबई है, इस तरह का जो वक्तव्य जो किया है, ये वक्तव्य राज्यपाल जैसे पद पे बैठे हुए महामहिम राज्यपाल के लिए शोभा नहीं देती है। तुरंत प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी और देश के गृहमंत्री ने इसकी नोन लेना चाहिए, और तुरंत इनको पद से हटाना चाहिए, और उन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने राज्य की जनता की माफी मांगना चाहिए। यह भूमिका कांग्रेस की है। मुझे लगता है बहुत ही खेदजनक है, महाराष्ट्र के मराठी मानुष का अपमान करने वाला वक्तव्य है। महाराष्ट्र में रहने वाले गुजराती, मारवाड़ी, सिख, जैन सारे समुदाय का बहुत ही आदर सत्कार हमने हमेशा से किया है। महाराष्ट्र के विकास के अंदर इनका योगदान कोई नकार नहीं सकता, लेकिन जो कारखाने हमारे गुजराती मारवाड़ी भाइयों ने लगाए, उन कारखानों में अपना पसीना, खून पसीना बहाते हुए हमारा मराठी मानुष वहां पे काम कर रहा है। अपनी जमीनें मराठी मानुष ने उन कारखानों के लिए दी है, अपने सर पे बोझा उठाकर इन कारखानों में निर्माण होने वाला माल हमारे मराठी मानुष जाके महाराष्ट्र के बाहर बेच रहा है। तो इस प्रकार का वक्तव्य आप जरूर एक समुदाय की जब सराहना करते हैं, उनको उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, तो दूसरे समुदाय का उसमें दिल ना दुखे, इसकी भी खबरदारी मुझे लगता है राज्यपाल महोदय ने लेनी चाहिए थी। उनके वक्तव्य से एक बात स्पष्ट है कि मराठी मानुष का किसी भी प्रकार का योगदान ये मुंबई और ठाणे जिले में नहीं है। शायद इस प्रकार का बयान या ये बात हमारे राज्यपाल कहना चाहते थे। पहली बोट यहाँ से रवाना हुई 1873 में, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज बना महाराष्ट्र में 1875 में। क्या मालूम है इनको महाराष्ट्र का इतिहास? महाराष्ट्र के प्रति हमेशा खुन्नस रखने वाले, महाराष्ट्र को बदनाम करने का हर वाक्य से प्रयास करने वाले, ये आदमी महाराष्ट्र का राज्यपाल रहने के लायक नहीं है, हम इनको वापस बुला नहीं जाएंगे, इनको हटा लो। मराठी आदमी का गुस्सा दिखा, उनको नहीं मालूम जब जब दिल्ली ने महाराष्ट्र को दबाने की कोशिश की, तब तब दिल्ली के सामने महाराष्ट्र उठ गया। जब 1960 में महाराष्ट्र को मुंबई देने से नाकबूल किया दिल्ली ने, तो 105 गोलियां हमारे लोगों ने चली, और तब जाके मुंबई महाराष्ट्र को मिली। महाराष्ट्र की भावनाओं से मत खेलो भगत सिंह।
हमारे अस्मिता से मत खेलो कुशियारी, तुम्हारी महंगी पड़ेगी होशियारी। ये खेल मत खेलो, बहुत महंगा पड़ेगा कि चप्पल मारो आंदोलन करेंगे। और मैं चाहता हूं कि ये पार्टी से नहीं होना चाहिए, ये महाराष्ट्र के तमाम लोग उसमें शामिल होने चाहिए। हम भिखारी नहीं है, हम किसी के पैसे भी जिंदा नहीं है। अगर कोई जिंदा है पैसे पे तो हमारे मिट्टी से पैसा पैसा उन्होंने उपाया है, हमारी मेहनत से पैसा निकला है जो उनके शायद घर में हो सकता है। लेकिन पूछिए इतिहास, बिरला को पूछिए, टाटास को पूछिए, फिरोदियास को पूछिए, बजाज को पूछिए, वो बताएंगे मराठी आदमी का महत्व क्या है, इसको क्या मालूम है। 3 साल हुए गाड़ी कोल्हापुर चप्पल से तो जूते मारो आंदोलन हो गए, लेकिन वही कोल्हापुरी जूते जो जग भर जान दुनिया भर में जाने जाते हैं। कोल्हापुरी के जूते सिर्फ मुंबई में नहीं, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वही जूते फिर उनको भेजे जाएंगे।